जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्कशन कर रहे थे हम अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, और उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को। आईकैप में डिफरेंट अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी वो पूछता रहा है कि जी के फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से है, या उसने क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन, तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर वो इसको देखता है। कोई इशू नहीं है जी, चलो ग्रेट। फिर मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के तरीके वही हैं जो कि मामला हम रूटीन में बातें करें तो कि एजुकेशन आप पढ़ाएं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दें ताकि लोग जो मामला हैं, जो स्किल सेट चाहिए लोगों को, जो मार्केट के अंदर डिमांड है स्किल सेट की, वो स्किल्स डेवलप करवाएं आप अपनी वर्कफोर्स के अंदर। इस तरह की स्किल्स डेवलप करवाएं कि वो आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रिसोर्सेस बन सके। जैसे आजकल जो इकोनॉमीज हैं जहां पे वर्कफोर्स ज्यादा इजीली अवेलेबल है, वो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही हैं। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अब ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं एनुअली 9%, 8%, 10%, 12% जीडीपी ग्रोथ रेट देख रही हैं। उसमें बेसिक हार्ड किसका है? बेसिक हार्ड है कि आपके पास वर्क फोर्स, लेबर फोर्स ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं वो भी अपने प्लांट्स लाके इन वर्क फोर्स के पास लगाते हैं ताकि इन वर्क फोर्स के जो स्किल सेट अवेलेबल है उसको वो इस्तेमाल कर सकें, और वर्क फोर्स अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है, चीप है। तो आप अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा टेक्निकल लोग पैदा कर लें, ज्यादा इंजीनियर्स पैदा कर लें, ज्यादा डॉक्टर्स पैदा कर लें, ज्यादा आप कोई मैकेनिक्स पैदा कर लें, ज्यादा आप कोई आर्किटेक्ट्स डेवलप कर लें, तो उससे होगा क्या कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेक्स होगा, जो स्किल सेट मौजूद होगा उससे रिलेटेड। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री नहीं भी है तो इंटरनेशनली इंडस्ट्री मूव कर देती है, तो उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, होगी कि नहीं होगी। वो कहता है कि ये काम करें आप, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाली तरफ फोकस करें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करवाएं, अपने स्किल सेट लोगों की इच्छा भी बढ़ा दें कि ला बहला काम जो है वो आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लोग फिर हंसी खुशी में रिव्यू लाना शुरू कर देंगे। फिर कहा कि एक और काम कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। और आप लोगों को जो हमने देखा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी कि डिमांड एक जगह थी और सप्लाई किसी दूसरी जगह पे थी, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि लोगों को सब्सिडीज दे, लोगों को ज्यादा इंसेंटिव दे, कहे कि जनाब अगर आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करेंगे जो कि आपके इलाके से बाहर है, तो हम आपको उसके लिए कोई सब्सिडीज देंगे, कोई तो टैक्स की छूट देंगे, कोई इस तरह की, तो उससे लोगों की जो बेसिक अर्निंग है, लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इजाफा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं लाहौर में रहूंगा मुझे लाहौर का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं कहता मुझे कहा जाता है अगर आप ग्वादर में जाके काम करेंगे तो आपके कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। लाहौर में रहेंगे आप 1,00,000 रुपए कमाएंगे, हम आपसे 10,00,000 का टैक्स ले लेंगे। ग्वादर में काम करेंगे अगर आप तो 1,00,000 रुपए कमाएंगे तो आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे।
तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम 1,00,000 रुपए ही आ जाएगी। अगर आप लाहौर में रहते हैं आपके पास डिस्पोजेबल इनकम 90,000 आती है। तो इंसेंटिवाइज कर सकती है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत में, सब्सिडीज की जरूरत में, टैक्स कंसेशन की जरूरत में, इंडस्ट्रीज को कुछ एग्जेम्पशन दे सकती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमें देखते हैं कि ये हमारे वर्क फोर्स ज्यादा गांव के इलाके के अंदर है या ऐसे एरिया के अंदर है तो वहां पे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए जाते हैं। हरतार में जैसे हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया कि इंडस्ट्रीज वहां पे जाके लगे, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको रोजगार, उस इलाके के लोगों को वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद थी, इंडस्ट्री नहीं थी, तो वो लोगों के लेबर की डिमांड जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री को स्पेशली कहा गया हरतार में, ये खैबर पख्तूनख्वा में टोपी के नजदीक जो यहाँ पे गुलाम साहब इंस्टीट्यूट के नजदीक एक इलाका, उस इलाके को 90s में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह दिया कि जनाब अगर आपको इंडस्ट्री में लगाएंगे आपसे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, आपको इतने सालों तक टैक्स की छूट होगी, आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में मदद मिलती है। फिर डेवलप कल्चर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उसने कहा कि जनाब इस तरह कीजिए बजाय इसके कि आप लोगों की मजदूरी की बातें देख सकें, देखने की कोशिश करें, आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करें, अपना काम खुद करें, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करें, डिवाइस मैकेनिज्म दैट कुड बिंग द बेस्ट टैलेंट टुगेदर। और वो बजाय इसके के ये देखेंगे कि हमें तो सैलरी और तनख्वाह के चक्कर में पड़े रहे, वो बिजनेस अपना स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप्स जो आजकल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश की जा रही है कि स्टार्टअप्स को इंकरेज किया जाए, लोग बजाय इसके कि तनख्वाह के इंतजार में बैठे रहे और अनएम्प्लॉयड रहे, जो मास्टर्स करके बच्चा निकलता है, जो स्किल अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, वो एजुकेशन को इस्तेमाल करे और उसको इस्तेमाल करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आए। तो इन तरीकों के साथ यू कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आगे अपने सिल्स भाई न्यूजीलैंड के विलियम फिलिप्स, वो कहते हैं कि इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला फिलिप्स कर्व के नाम से जो हम जानते हैं, और वो रिलेशनशिप इन्होंने दिया हमें, उन्होंने कहा कि जरा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान ताल्लुक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और वो कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज एन ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप। वो कहते हैं भाई साहब कहते हैं फिलिप्स कर्व शोज आवर रिलेशनशिप अ ट्रेड ऑफ between inflation and unemployment. Inflation and unemployment. Trade-off. Trade-off का मतलब क्या होता है? कि अगर आप किसी एक को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा अनकंट्रोल हो जाएगा, अगर आप किसी दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो पहले वाला अनकंट्रोल हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल रखना है। यही है ना, हमने पढ़ा था ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल, ये चीजें हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल रखना।
तो अब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स भाई ने हमें बताते हैं कि जनाब ये तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। आप अगर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी जानब अगर आप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। जिस चीज को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उसका रिवर्स इफेक्ट दूसरे के ऊपर आएगा। वो किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यार अच्छा जो हम लोगों को वेजेस ज्यादा दे देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक ही तरीका हो सकता है। ऐसे ही था, ऐसा एक तरीका हो सकता है कि हम कहते हैं कि यार जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है उनको हम मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, उनको हम इंगेज करते हैं, इंप्लाइड करते हैं। तो हमने देखा था अगर हम मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो उससे क्या होता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर तो ये थी, मिनिमम वेजेस रखे थे तो आपकी जो इम्प्लॉयमेंट तो इम्प्रूव हुई, यानी कि जो इम्प्लॉयमेंट इधर होती थी अब वो सप्लाई ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेवल तो इंक्रीज गया, लेकिन दूसरी जानब मिनिमम वेज की वजह से हमने ये देखा था कि एक तो डिमांड ऑफ लेबर नहीं होगी, आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये भी मसला आता था जो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते थे कि क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी जानब इसकी चेंज की वजह से वेजेस में इजाफे की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आती थी। ऐसे ही था, अगर हमने हम तो ये कर रहे थे कि चलो लोगों को यार ज्यादा वेजेस मिल जाए, लोग ज्यादा इंगेज हो जाए, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, लेकिन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के चक्कर में हमने स्ट्रक्चर जो आपकी क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ भी लेके और कास्ट पुश इन्फ्लेशन भी कर दी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जब तनख्वाह ज्यादा मिल रही है तो वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का भी खतरा आ जाएगा। तो लामहाला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम कुछ भी काम करते हैं उससे एक रिलेशनशिप इन्फ्लेशन का और वेजेस का बनता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशनशिप और इन्फ्लेशन का और वेजेस का नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन वेजेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इधर देखिए, ये भाईजान ने फिलिप्स भाई हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं from this more formal link between inflation and unemployment was established, was found, and indicating that there was a trade-off between these two, inflation and unemployment, trade-off between the two. This trade-off can be explained like this. As unemployment falls, unemployment kam hogi, labor shortage may begin to occur. अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, लेबर शॉर्टेज आ जाएगी, लेबर शॉर्टेज में बिगिन टू अकर वेयर स्किल्स लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, दिस पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस, वेजेस पे अपवर्ड प्रेशर डालने से एट हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर टू इंक्रीज देयर ओन वेजेस, देयरफॉर इन्फ्लेशन इज लाइकली टू स्टे लो। तो ये जो दो एलिमेंट बताए, दो डिफरेंट कि जनाब जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं
लेबर शॉर्ट हो जाता है, लेबर शॉर्ट हो जाएगा तो वेजेस इंक्रीज होगी, वेजेस इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होता है वहां पे लेबर अबंडेंटली अवेलेबल होता है, सरप्लस होता है, तो वो वेजेस बढ़ा नहीं सकते। जब वेजेस बढ़ा नहीं सकते, मार्केट में निगोशिएट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही होगी और आपकी प्राइसेस लेवल, जनरल प्राइस लेवल विल रिमेन लो। ये यहाँ पे उन्होंने बात की, इसी को इन्होंने, ये हमारे सामने एक कर्व की सूरत में आया। दिस इज काइंड ऑफ अ कर्व दैट पॉइंट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज ग्रेटर बिकॉज रिसोर्सेज आर नियर फुल कैपेसिटी। एंड एट पॉइंट बी देयर इज मोर स्पेयर कैपेसिटी इन द इकॉनमी मींस दैट द लेवल ऑफ वेजेस इन्फ्लेशन इज सो लो दैट इट्स नेगेटिव। वेजेस लेवल इज सो लो, वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको कंपैरिजन किया। अब यहां पे देखने की बात यह है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं कि वेज इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। वेज इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है कि जनाब पिछले साल जो मजदूर 10,000 रुपया तनख्वाह लेता था, इस साल वो मजदूर 15,000 रुपया तनख्वाह डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 50% वेज इन्फ्लेशन होगी, ऐसे ही है। जब शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी तो आपका जो लेबरर है वो वेज ज्यादा डिमांड करेगा। जब डिमांड ऑफ लेबर हाई होगी तो लेबरर ज्यादा वेज डिमांड करेगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? डिमांड ऑफ लेबर हाई होने से सही। तो यहां पे जो बात हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेज इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज के अंदर। वेजेस नेगेटिव नहीं होंगे। अब नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट हो सकता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर लेबर की डिमांड कम हो गई है तो क्या होगा? पिछले साल अगर 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर कोई लेबर मिलता था तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज लो है, डिमांड ऑफ लेबर कम है, तो अब लोग 7,000 रुपए के ऊपर भी, 8,000 रुपए पर मंथ के ऊपर भी इंप्लाई होने को तैयार हो जाएंगे। अब नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट आ गया है। इनफैक्ट ऐसे नहीं हो ऐसे ही है, वेजेस नेगेटिव नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि वेजेस जो थी है वो माइनस 5,000 हो गई, वो मजदूर काम भी करेगा और पैसे भी अपने हाथ से देगा, नहीं नहीं, वेजेस इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये परसेंटेजेस के दरमियान में, वेजेस इन्फ्लेशन परसेंटेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज, ये जो फिलिप्स कर्व है ये इनके दरमियान में, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, ये परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं आपस में, परसेंटेजेस की बात हो रही है। यहां पे इन्होंने बताया कि अगर आपकी वेज इन्फ्लेशन की परसेंटेज ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कम होगी। वेज इन्फ्लेशन की परसेंटेज कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। और वेज इन्फ्लेशन की परसेंटेज नेगेटिव में चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज निग्लेक्टेबल बिकती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है और उस वजह से वेज इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट पॉइंट बी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो उस वक्त
बेचारे मजदूर तो डिमांड कर ही नहीं देना, वो तो कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से पिछली हमारी सैलरी से अगर 10,000 तो अभी 8,000 पे भी रख लो, हम तैयार हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो वो इस सिचुएशन में दे आर इन नेगेटिव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लाइक दिस और दे आर विद अ नेगेटिव वेज रेट इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्लियर, और वहां पे नेगेटिव माइनस में ही है, माइनस में नेगेटिव वेज इन्फ्लेशन रेट है। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो जीरो से माइनस में आ गया, ये माइनस में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो माइनस में नहीं आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो माइनस में नहीं आना चाहिए जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंक्रीज है, इसी साइड के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड पे नहीं गया। अनएम्प्लॉयमेंट माइनस में किस तरफ होता, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साइड पे जाता तो ये माइनस में हम कहते जीरो से नीचे, ये जीरो से ऊपर है, वेजेस रेट माइनस में गया है, वो पिछले साल की निस्बत कम तो वहां पे काम करने को तैयार है, इन्फ्लेशन रेट माइनस में जा रहा है। नुमान जी कह रहे हैं कि नेगेटिव मींस दे आर विलिंग टू वर्क फॉर लेस वेजेस, क्यों, क्योंकि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है ये देखें अब वेज इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू होता है और कर्व हमें जो नजर आ रही है वो कर्व हमारी बता रही है कि जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वेजेस इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी वजह से वी हैव दिस शेप, क्लियर है जी। ये स्टूडेंट्स तंग होते हैं इसके ऊपर, वो कंफ्यूज होते हैं कि जनाब ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये इसका शेप इस तरह की क्यों है, वो भी क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि इस सिचुएशन में जब इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट बी के ऊपर, तो पॉइंट बी के ऊपर तो लेबर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बेचारा अभी कह रहा है कि मुझे तनखा पिछले साल से भी कम दे दो लेकिन मुझे रख लो, तो लोग ज्यादा भी इंप्लाई करेंगे तो फिर भी वेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता वेजेस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और अल्टीमेटली जब पॉइंट हम बी से इस तरफ मूव करते हैं तो अब गैप फ्लैट की बजाय एकदम से कर्व हमारी बहुत स्टीप हो जाएगी। वो स्टीप क्यों है, तो स्टीप इसीलिए है कि अब लोगों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट लेबर आर फुली इंप्लाइड, ऑलमोस्ट फुली इंप्लाइड और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर बहुत कम हो गई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से अब लेबर जरा थोड़े से ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, ज्यादा पैसों के ऊपर वो आना चाहेंगे तो वेज रेट इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे बिल्कुल हमें फ्लैट कर्व नजर आ रही है और एकदम यहाँ पे हमें स्टीप कर्व नजर आ रही है, वो स्टीप कर्व इज रिफ्लेक्टिंग द शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड फ्लैट कर्व इज रिफ्लेक्टिंग अबंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर। जब अबंडेंस है तो थोड़े से पैसों के साथ भी ज्यादा लेबर एम्प्लॉय होने को तैयार हो जाती है और जब शॉर्टेज हो जाती है तो ज्यादा पैसों के साथ थोड़ी सी लेबर एम्प्लॉय होने को तैयार हो गई होती है। जी फिर इसी पॉइंट को लेबर कर्व को यहां पे तो हमने देखा शॉर्ट रन के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज इसको हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं, SRBC शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व।
SRPC, short run Phillips curve. फिर अपने भाईजान आगे मैल्टन फ्रीडमैन, मैल्टन फ्रीडमैन भाई आए, उन्होंने कहा ना आप ये फिलिप्स अंकल की जो बात की, ये फिलिप्स अंकल की बात शॉर्ट रन में तो हमें दोस्त महसूस होती है, शॉर्ट रन में देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द वेज लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ, लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा, लॉन्ग रन में वी विल सी अ स्ट्रेट लाइन अ फिलिप्स कर्व विद अ दिस काइंड ऑफ फिलिप्स कर्व, अ स्ट्रेट लाइन, लॉन्ग रन में एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगी और एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और वेज इन्फ्लेशन will remain constant on this. Unemployment level bhi isse niche nahi aa sakega. Aap jitni marzi wages mein ijafa kare, unemployment level isse niche nahi aa sakega. Aur isko hum ek normal unemployment hum kehte hain. Hum ye samajhte hain, economists bhai ye samajhte hain ki aapki 100% employment kabhi bhi ho hi nahi sakti. 95 से 97% तक आप एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं, सर्टन लेवल ऑफ योर वर्कफोर्स लेबर फोर्स विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, क्यों रहेगी, वो आपकी फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी इकोनॉमी के अंदर मूवमेंट्स हो रही होती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इज नॉट ए स्टैटिक इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ वाइब्रेंट मूविंग इकोनॉमी, तो जो वो मूवमेंट होगी दैट मूवमेंट विल कॉज योर इकोनॉमी टू हैव अ सर्टेन लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उस मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप खत्म नहीं कर सकेंगे, वो मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी मेंटेन्ड बाय योर इकोनॉमी. जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, ये जो सर्टन लेवल 2% से 5% तक का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इसके अंदर कहा कि ये इसका ट्रेड ऑफ कोई नहीं, इसको आप खत्म नहीं कर सकते. उसकी रीजन बताई कि जहां शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के अंदर क्या हो गया है, अब ये देखिएगा जरा गौर करके. शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व के अंदर क्या हो रहा है कि आप पॉइंट बी से अगर पॉइंट ए पर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इफ यू वांट टू गेट योर इकोनॉमी फ्रॉम पॉइंट बी जहां पे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप अपनी वेजेस के अंदर इजाफा करेंगे ना, वेजेस इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे. तो शॉर्ट रन के अंदर वो कहते हैं, शॉर्ट रन के अंदर थोड़े टाइम पीरियड के अंदर तो क्या होगा कि ये फिलिप्स कर्व की बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़े टाइम पीरियड के अंदर जब आप देखेंगे तो लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए पर शिफ्ट हो जाएगी आपकी इकोनॉमी. क्यों शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि यार मुझे तो वेजेस मिल रही है, नाउ आई एम गेटिंग आई वांट दिस मच वेजेस, तो फिर मैं आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार हूं. अगर मेरी वेजेस इतनी है तो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, आपके इकोनॉमी के अंदर सप्लाई प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है, लेबर की सप्लाई इज नॉट विलिंग टू सप्लाई देयर सर्विसेज ऑन this much, तो उस वजह on this wage inflation rate, जिसकी वजह से unemployment rate is high. आप short term के अंदर जब अपने wage rate में इजाफा करते हैं, wage inflation rate आपका बढ़ता है, तो आपकी जो unemployment है वो
रिड्यूस हो जाती है, यू वन से यू थ्री तक आप आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो लेबर देखेगा, फिर से देखेगा कि जनाब अब क्या हुआ, अब लेबर को जो आपने परसेंटेज में इजाफा करवाया था, जो हमने पहले बात कही थी, कल भी हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात कर रहा कि पहले लेबर की तनख्वाह थी 10,000 और आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5%, अब आपने लेबर की तनख्वाह को कहा कि अच्छा भाई जान आप 5% या 10% फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10% लेबर था, हमने कहा कि हम 20% कर देते हैं लेबर की तरह और ये 5% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। फिर 20% जब आपने तनख्वाह की तो क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट करेगी, इसी तरह से डिमांड पुल भी इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगी, डिमांड पुल क्यों इस पर इफेक्ट करेगी, डिमांड पुल इसलिए क्योंकि ये 20,000 रुपया जिसको आपने आप देना शुरू कर दिया है ये जाके इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन में इजाफा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अब क्या है, ये 20,000 के ऊपर भी अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, आपने इसको तो 20,000 रुपया दिया था कि जनाब ये इसको 5% इन्फ्लेशन लेवल या 5% लेवल या 5% से भी कम 2% 3% का आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल लेकर आना चाहते थे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये 20,000 के ऊपर भी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, आपने उसको तो दिया थे पैसे इंक्रीज कि यार चल कोई बात नहीं तू पैसे लेना चाहता है ले ले, लेकिन अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसको भी बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो। तो आप जब लॉन्ग रन के अंदर इस चीज को देखेंगे तो ये जो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फैक्टर्स आएंगे इकोनॉमी के अंदर, तो वो जो 10,000 के ऊपर जो उसकी कंडीशन थी थोड़े दिनों के बाद 20,000 में भी उसकी वही कंडीशन होगी, थोड़े दिनों के बाद वो 20,000 के ऊपर भी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। लेबर की आपने तनख्वाहें बढ़ाई लेकिन लेबर फिर जाके जब साल के बाद या 6 महीने बाद या 1.5 साल 2 साल के बाद फिर दोबारा वो सेम वही लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वही लेवल ऑफ इश्यू विद वेजेस उसको नजर आएगा, वो 20,000 के ऊपर भी उसी तरह से अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, वो 20,000 के ऊपर भी कहेगा नहीं मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी भाई, ये तो मुझे मारना ही नहीं खाता, इन्फ्लेशन देखें इतनी बढ़ गई है, वो फलाना जो हो गया, मैं तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करना, मैं तो फिर 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर दोबारा से आपका वापस चला जाएगा, फिर क्या करेंगे, दोबारा आप 20,000 से कहेंगे चल यार तेरी तनख्वाह बढ़ा देते हैं 40,000 कर देते हैं, 40,000 कर देते हैं, चल आप खुश है आप दोबारा से 3% 5% उसके ऊपर आ जाओ, तो वो भाईजान फिर दोबारा देखेंगे कुछ अर्से तक वो खुश रहेंगे, शॉर्ट टर्म के अंदर तो उनको नजर आएगा मजा आएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर फिर वो बेचारे परेशान हो जाएंगे और फिर दोबारा से कहेंगे नहीं 40,000 पे भी तो नजर आएगी, ऐसे है। तो वो इस सिचुएशन को इतनी लॉन्ग रन के अंदर जब हम चीजों को देख रहे होते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिस्ट बाय फ्रिडमैन भाई ने कहा कि जनाब इन शॉर्ट रन there is trade off, but he agreed that the trade off between unemployment and inflation existed, however only in the short run. In the long run, there was no such trade off. Long run, there was no trade off. The argument was that each short run fiscal was based upon a fixed expectation of inflation. A fixed expectation of inflation. यहाँ से हमें 10,000 से 20,000 किया, ये एक आपने फिलिप्स कर्व बनाया,
This was the short term Phillips curve one. ये आपने बनाया, आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आना चाहते हैं। आपने कहा कि चलो अच्छी बात है यार ये मैम, लेकिन ये पॉइंट बी के ऊपर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आना चाह रहे हैं, और आपने क्या किया, चल यार वेज परसेंटेज वेज इन्फ्लेशन रेट हमने बढ़ा दिया, लेकिन हमने कहा कि यार चलो कोई नहीं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हुआ है, ये शॉर्ट रन पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज तो कम हुई है, हमने ये किया शॉर्ट रन के लिए। लेकिन जब आपने वेजेस को रेट को बढ़ाया तो ये वेजेस रेट के अंदर इजाफा तो एक सर्टन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से उसने इतनी वेजेस पे अपनी रजामंदी जाहिर कर दी कि मैं आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। जैसे यहां में हमने देखा था सर्टन एक्सपेक्टेशन 20,000 के ऊपर वो सेटिस्फाइड हो जाता था कि हाँ यार चल मेरा गुजारा हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन की वजह से इजाफा हुआ है वो इन्फ्लेशन का इजाफा मुझे तनख्वाह के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन का इजाफा ये भूल गया था कि वो जो तनख्वाह में इजाफा होता है वो फिर दोबारा से इन्फ्लेशन का साथ मान जाता है। तो पहली दफा में तो वो उसने ये किया, फिर थोड़े दिनों के बाद दोबारा से उसकी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाएगी, दोबारा से जब इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी फिलिप्स कर्व विल मूव लाइक दिस, वो दोबारा से बी के ऊपर वो आ जाएगा। अब इतनी वेजेस के ऊपर, पहले कम वेजेस के ऊपर वो सेटिस्फाइड था, अब इतनी वेजेस के ऊपर हालांकि 20,000 का रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल मजीद बढ़ गया, तनख्वाह कितनी है 20,000 है ना, तनख्वाह 20,000, पहले 20,000 के ऊपर 5% पे आ गया था लेकिन अब 20,000 के ऊपर एक्सपेक्टेशन लेवल चेंज हो गया, एक्सपेक्टेशन लेवल चेंज हो गया, अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन लेवल चेंज हो जाएगा, अब वो ज्यादा तनख्वाह के ऊपर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका ज्यादा है, फिर आप कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए आप अपनी वेजेस को फिर दोबारा से बढ़ाएंगे, दोबारा से बढ़ा के आप शायद कोशिश करके और वेजेस को बढ़ाएं इधर लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़े अरसे के बाद फिर उसकी एक्सपेक्टेशन दोबारा से चेंज हो जाएगी, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2-3 जितने में भी जाएंगे वो अल्टीमेटली दोबारा से उसी पे जाता जाएगा जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, वो इस वजह से लॉन्ग रन के अंदर वो कहता है कि आपकी फिलिप्स कर्व का जो ये ट्रेंड ऑफ है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लॉन्ग रन में एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी के अंदर सस्टेन करेगी। यहां पे आता है The argument was that each short-run Phillips curve was based upon a fixed expectation of inflation. If there was an increase in the expectation of inflation, then this would cause the short-run Phillips curve to shift higher. Now, हमने यहाँ पे बात की expectation change हुई, shift higher expectation change होने से higher जाते जा रहे हैं आपकी वेज में तो इजाफा हो रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में उस तरीके के साथ कमी नहीं आ रही। इन हिज ओपिनियन बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड वुड ओनली हैव ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इन द लॉन्ग रन पीपल वुड एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशन टू अकाउंट फॉर हायर इन्फ्लेशन एंड ए न्यू शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व वुड फॉर्म। ये वही बात जो भी हमने की कि एक्सपेक्टेशन पहले आपकी ये थी, आपने वेजेस को बढ़ाया 4% से 6% पे चले गए वेज इन्फ्लेशन को, आप U1 से U2 पर आ गए, बट आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल चेंज हुई
अब लोग इतनी तनखा के ऊपर भी गुजारा करने के लिए तैयार नहीं है, शॉर्ट टर्म स्किल्स को मूव कर दी, शॉर्ट टर्म स्किल्स को मूव की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर खड़े। क्लियर है जी? This means that in the short run, the trade up may occur, however, in the long run, it is not possible to expand beyond the long run Phillips curves. वो long run Phillips curve ही आपकी straight line एक long run Phillips curve हो जाएगी। आप अपनी जो short run Phillips curve है, जो एक flat curve है, elastic curve है, आप इन elastic curve के ऊपर long run में चलेंगे। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बात कर रहे थे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, द इंप्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट देयर विल ऑलवेज बी अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी व्हिच इज अनअवॉइडेबल। लुकिंग एट दिस हिस्टोरिकल डेटा, दिस वुड अपीयर टू बी द केस। द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस आर नोन एज फ्रैक्शनली और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमने बातें की थी स्ट्रक्चरल और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, your economy is vibrant, always moving, static नहीं है, जिसकी वजह से structural or fractional unemployment होगी। This is known as type of voluntary unemployment because they are choosing to abstain from the labor market. While this might seem unfair, in economic terms, these people who do not participate in the labor market at the current rate are unemployed. Even if a whole industry has declined and there is not any work in the local economy, they could eventually move to another part of the country and engage in work. This means that in an economy, there will always be a level which will persist and is therefore known as natural rate of unemployment. Again, yeah, demand and supply of labor force. This is the demand and this is the supply. अब सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स यहाँ थी और वर्क फोर्स, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में फर्क है। इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, दिस गैप इज योर अनएम्प्लॉयमेंट गैप। ये जो हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट गैप, ये गैप अनएम्प्लॉयमेंट गैप है। अब देखिए जो यहाँ पे बात नोट करनी है कि आपकी लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के दरमियान में ये जो गैप है, this gap is shortening. यहाँ पे ये ज्यादा था, यहाँ पे आके कम हो गया। क्यों कम हुआ? जो voluntary unemployment थी ना, जैसे जैसे wages बढ़ती जा रही है, wages बढ़ रही है, इस rate level में voluntary unemployment rate ज्यादा है। लोगों को social security से जो पैसे मिलते हैं वो उनको बेहतर लगते हैं बनिस्पत इतनी तनख्वाह मिलने के, ठीक है। इस वजह से वो अनइम्प्लॉयड रहने को प्रेफर करते हैं और जो जो आपकी वेजेस बढ़ेगी, लोग अनइम्प्लॉयमेंट से निकल के वर्क फोर्स के अंदर शामिल होना पसंद करेंगे। दैट इज वाई दिस गैप रिड्यूसेस ओवर द पीरियड, ओवर द इंक्रीज ऑफ द वेजेस। Equilibrium कहाँ पे? L1 पे। L1 shows the equilibrium between supply and demand for labor at the various level of W1. The workforce contains all those people who are actively supplying their labor, but also those who are voluntary unemployed. This means that L2 to L1, workers in the workforce choose not to partake at a given which level. These people are those who make up the level of natural unemployment in the economy. We can see how the lines curve as the wages gets higher. This is to be expected because at higher wages, more of the voluntary unemployed worker force will choose to rejoin the workforce. So this is the unemployment that we were going to discuss. Now let's move to our monetary policy. कोई मुश्किल इसके अंदर जो आज तक हमने देखा?
जी नुमान पूछे हैं व्हाट इज वॉलंटरी टेंपरेरी अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, तो नुमान हमने ये देखा यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये अब सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि इस वेज के ऊपर इतनी लेबर इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, लेकिन वो सारी की सारी लेबर सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड तो नहीं, ऐसे ही है ना, तो वो सारे के सारे लोग कहां पे जो एम्प्लॉयड है उसको हमने वर्क फोर्स कह दिया, जो एम्प्लॉयड है उनको हमने वर्क फोर्स कह दिया। आप ये देखिए ये जो अवेलेबल लेबर फोर्स है और जो वर्क फोर्स है इन दोनों के दरमियान में ये गैप है, इस गैप को हम कह रहे हैं आपका अनएम्प्लॉयड गैप, ये गैप है। और ये गैप कम क्यों हो रहा है, ये कम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क फोर्स विलिंग टू वर्क। अब वेज वन के ऊपर इक्विलिब्रियम के हिसाब से एल वन लोगों को एम्प्लॉय होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां तक इतना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर यहां तक होनी चाहिए थी एल वन तक, ऐसा ही है। लेकिन जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअल पर्सन एम्प्लॉयड वो दिख रहे हैं, जो वर्कफोर्स काम करने वाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं, इकॉनमी ये समझे अगर कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो एल वन तक हमारे दस वर्कर्स इंगेज हो सके हो जाए, लेकिन अगर हमारी वर्क फोर्स है दैट विल बी इंगेज लाइक दिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर विल बी लाइक दिस। तो ये जो गैप वर्क फोर्स के अंदर और इसके अंदर गैप है दैट इज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये गैप कम होता जा रहा है, अल्टीमेटली मिल भी सकता है लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिमेन देयर। अच्छा जी, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन है, इंटरेस्ट रेट के बारे में आमतौर पे स्टूडेंट्स को सब कुछ पता होता है, इस लेवल तक पॉइंट टू पॉइंट पे आप इंटरेस्ट रेट की इन दफा डिस्कशन मैथ में क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर साइंस में देखू करते हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होता है, सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं यहां पे इकोनॉमिक्स के हवाले से। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल क्या कि आपका एक्चुअल जो ऑन द फेस ऑफ इट जो इजाफा हुआ, जो इजाफा होता है उसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड को हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। पिछले साल इस दफा हमारी इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जाम्पल 10%, लेकिन यार 10% तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना, रियल इंटरेस्ट रेट बताइए क्या है। ओहो अच्छा, रियल कल्पना करना है आपने, तो रियल इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जाम्पल 4%, क्यों कि 10% तो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, 6% हमारी इन्फ्लेशन थी, तो रियल इंटरेस्ट रेट इज 4%। रियल के अंदर क्या किया, सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, रियल में क्या है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को डिटर्मिन इकोनॉमी के अंदर किसका किया जाता है, सप्लाई डिमांड, पैसे की सप्लाई एंड डिमांड, एन इंक्रीज इन डिमांड वुड लीड टू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और मनी की सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज रिलेटेड टू हमने कैपिटल के साथ देखा था, ठीक है।
गवर्नमेंट हैज से इन डिटरमिनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट, आप इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक हथियार मौजूद है जिसको बेस रेट कहते हैं। गवर्नमेंट बेस रेट इकोनॉमी के अंदर डिटरमिन करती है। आपका स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो उसके पास इख्तियार होता है, वो कहता है कि बैंकों को कि अगर भाई ना आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो आप बजाय इसके कि मार्केट में इकोनॉमी के पास जाए, कोई जरूरत पड़े आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको इस बेस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिसको हम पाकिस्तान में काइबोर कहते हैं, काइबोर करेंसी इंटरबैंक ऑफर रेट, वो कहता है स्टेट बैंक ये कहता है कि भाई जान आप परेशान ना होइएगा, कुछ पैसा चाहिए हो कहीं पैसा आपके पास आ गया, ज्यादा पैसे आपके पास आ गए, सप्लाई ज्यादा आ गई है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप मेरे पास इन्वेस्ट कर दें, मैं काइबोर आपको दे दूंगा। अगर आपको पास सप्लाई कम हो गई है, डिमांड पैसों की ज्यादा आ गई है, कोई इशू नहीं है, आप मेरे पास आइएगा, मुझसे कर्जा ले लीजिएगा कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर। ये बैंकों को वो स्टेट बैंक के जरिए से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो बैंक्स के पास ये एक ऑप्शन होती है कि अगर उनको कर्जा लेना है तो भी वो स्टेट बैंक से ले सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने तो भी कर सकते हैं, तो उनका एक ये एक बेसिक रेट डिटरमिन हो जाता है आपकी इकोनॉमी के अंदर बेसिक रेट। अब बैंक्स क्या कहते हैं कि आपने अगर सर अलीशा पूछने के किसकी है तो कराची की, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जो पाकिस्तान में चलता है। इंटरनेशनली अगर हमने देखना हो तो हम लाइबर सुनते हैं, लाइबर आज गिर गया है, लाइबर आज की रेट वैल्यू ये है 2% है, 0.75% है, लाइबर है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास भारत एक इख्तियार होता है, वो अपनी इकोनॉमी की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप बेस रेट को बढ़ा ले, बेस रेट को कम कर ले, तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपने हमने देखा अक्सर इन्फ्लेशन, जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम होने से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, कंजम्पशन कम होना शुरू होती है, इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू होती है, तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। तो ये हमने चीजें अभी पीछे भी पढ़ी है। तो इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट इज अ टूल अवेलेबल विद द गवर्नमेंट फॉर कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन चेक, क्लियर। फिर देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ लोन, क्रेडिट रिस्क किस बंदे को हमने क्या देना है और उससे हमें उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो हर शख्स आपके कहता है, कोई कहता है मुझे यार एक दिन के लिए लोन चाहिए, कोई कहता है एक साल के लिए चाहिए, कोई कहता है मैंने एक फैक्ट्री बनानी है उसके लिए चाहिए, कोई कहता है मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। तो हर शख्स अपने हिसाब से लोन मांगेगा, उसको हमने लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हमें नजर आता है वो सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक जिसको पाकिस्तान में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर ये क्या चीज है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, जो कि आपकी जो मनी है, मॉनिटरी पॉलिसी है,
उसको गवर्न कर रहा है। गवर्नमेंट एक सेपरेट एंटिटी है, स्टेट बैंक एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक एक है। गवर्नमेंट का फंक्शन है, जिस तरह से आप ये कहें कि पुलिस, पुलिस एक इदारा है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन पुलिस एक सेपरेट इदारा है और गवर्नमेंट एक सेपरेट इदारा है। फौज, आर्मी, आर्मी आपकी जो बॉर्डर है उसको देख रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक फोर्स बनाई, लेकिन वो उसकी एक अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है और गवर्नमेंट की एक अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, ठीक है जी। तो इसी तरह से स्टेट बैंक भी एक इदारा है जो कि मॉनिटरी पॉलिसीज को डिटरमिन करता है, मॉनिटरी पॉलिसीज को चलाता है आपकी इकॉनमी। Then we have monetary union का कॉन्सेप्ट है, जैसे यूरो, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर सिर्फ एक करेंसी बना ली, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के 26-28 जितने 17 लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई यार हमारी करेंसी सिर्फ यूरो ही चलेगा हमारे मुल्क के अंदर, तो सब वो सेंट्रल बैंक, फिर उसका यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक उनकी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहा होता है, उनकी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी उनकी गवर्नमेंट्स भी देख रही, जो यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है वो देखता है, मॉनेटरी यूनियन की वजह से यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक उसको, वो उन इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी को डायरेक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से हम देखते हैं पिछले दिनों क्राइसिस भी आ रहे थे यूरोपियन यूनियन में, जो आई बिलीव पिछली उस स्टेट का जो कर्जे उसके बहुत ज्यादा हो गए थे और वो अपने मीट नहीं कर पा रहे थे, अपनी बैंक करप्सी के ऊपर पहुंच रहे थे और फिर उसको यूरोपियन यूनियन ने बेल आउट किया और वहां पे कुछ पैसे वगैरह उनको प्रोवाइड किए ताकि वो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को मीट कर पाए। जी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, फंक्शंस सेंट्रल बैंक के कौन कौन से हैं? सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, करेंसी का सप्लायर है। पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही नोट इशू कर रहे हैं, जो भी आप नोट दिखाएंगे उठेंगे बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड बाय गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो आज तक तो कुछ नोटिस भी आ गए थे जिससे गवर्नर के साइन भी नहीं थे, गवर्नर स्टेट बैंक के साइन के बगैर ही वो नोट चल रहे थे, लेकिन वो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी करेंसी इशू करनी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसने देख रहे हैं कि मैंने ज्यादा करेंसी इशू करनी है, काम करनी है, डायरेक्शन गवर्नमेंट से ले रहा होगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बगैर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशनल मेजर ये सेंट्रल बैंक के जुम्मे में डाले गए। जी वो वैलिड थे, अगर आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं हमें ये भी पता चलता कि जो हम सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हैं वो न्यूज सही भी है फेक है या सही है समझ में नहीं आती। अच्छा जी, फिर फंक्शन में बैंकर टू द गवर्नमेंट, जनाब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे किस लिए चाहिए होते हैं, हमने देखा है अभी डेट फाइनेंसिंग के अंदर के पब्लिक फाइनेंसिंग के अंदर गवर्नमेंट की जरूरत होती है, तनख्वाहें उसने आज पे करनी है, टैक्स उसको मिलना है साल के बाद, तो टाइमिंग गैप भी आ जाता है, उस टाइमिंग गैप को कवर करने के लिए भी गवर्नमेंट कर्जा लेने की भी जरूरत होती है, तो वो गवर्नमेंट कह सकती है सेंट्रल बैंक को कि भाई जान मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें
फिर टैक्स के पैसे आएंगे आप फिर से वापस ले लीजिएगा। फिर बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द बैंक हमने अभी देखा कि बैंकों को भी कहते हैं सेंट्रल बैंक के, आपको कोई मसला मसाइल हो आपने मेरे पास आना, अगर आपने को कैश ज्यादा आपके पास आ गया वो भी मुझे दीजिएगा, को कैश शॉर्टेज हो गई है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिक्र नहीं करनी है आपने, ठीक है। और बैंकर टू द बैंक में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बैंकों को हम खुली छूट नहीं देते, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक बैंकों को खुली छूट नहीं देता, क्योंकि स्टेट बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि इसने अपनी इकोनॉमी के अंदर मॉनिटरी सिस्टम को स्टेबल रखना है, ये नहीं होने देना कि मॉनिटरी सिस्टम को क्लैप्स कर दे, तो ये फिर इंश्योर करता है कि बैंकर भाई आप सारे पैसे जो आपके पास लोग डिपॉजिट करवाएं वो सारे के सारे पैसे आप आगे एडवांस ना दे दीजिएगा। बैंक का बिजनेस क्या है, बैंक का बिजनेस क्या है, बैंक का बिजनेस ये है आप कि कोई भी शख्स आएगा मिस्टर ए, वो आए उसके पास 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, वो बैंक को कहेगा बैंक भाई ना मेरे पास 100 रुपीज है ये आप डिपॉजिट कर लें, वो डिपॉजिट करवा दे। जब बैंक के पास डिपॉजिट होंगे 100 रुपीज तो बैंक ने क्या करना है, बैंक ने ये तो नहीं करते कि करना नहीं के भाई ये मैं संभाल के रख लेता हूं बस, क्योंकि इस डिपॉजिट के ऊपर तो शायद उसने इंटरेस्ट भी देना हो, उसने प्रॉमिस किया हो कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा, सूद दूंगा, आप मेरे पास डिपॉजिट करवाए 100 रुपीज मैं आपको 5% सूद दे दूंगा। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 100 रुपीज आए थे इन 100 रुपीज को कहीं पे एडवांस, कहीं पे लोन देना पड़ेगा, एडवांसेस कहते हैं लोन, ताकि उस लोन से वो 100 रुपीज के ऊपर लोन के ऊपर कहेगा मैं आपसे 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा, तो 10% से 5% इसको दे देगा, 5% अपने पास रख लेगा, 100 रुपीज ये लोन इनको दिया होगा, जब कभी 100 रुपीज वापस आएंगे तो वो डिपॉजिटर को 100 रुपीज वापस कर देगा और बैंक वाले भाई ना 5% प्रॉफिट, जिसको हम स्प्रेड भी कहते हैं, 5% स्प्रेड के साथ वो काम कर रहे हैं, अपना पैसा कोई भी नहीं है, सिर्फ लोगों के पैसे लेते हैं, वो आगे लोगों के पैसे आगे उधार दे देते हैं और उसके ऊपर ये 10% ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं जो डिपॉजिट के ऊपर कम पैसे देते हैं, तो इस तरह से ये बैंकर्स अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपना स्प्रेड, प्रॉफिट मार्जिन वो कमा लेते हैं। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द बैंक, ये बैंक का बिजनेस मॉडल। अब जो इसके अंदर सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी है वो क्या है इस बिजनेस मॉडल के अंदर, कि आपने मिस्टर ए ने आपके पास डिपॉजिट करवाए 100 रुपीज, आपने वो लोन दे दिया मिस्टर वाई को, वो लोन दे दिया, अब अगर मिस्टर वाई डिफॉल्ट कर जाए, वो लोन वापस ना करे, तो क्या होगा, किसका नुकसान होगा, मिस्टर वाई लोन वापस ना करे किसका नुकसान होगा, जी होना तो बैंक का चाहिए, लेकिन बैंक के सिस्टम के अंदर तो बैंक ने तो कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, पैसे किसके थे, डिपॉजिटर के, डिपॉजिटर के पैसे उठा के आगे कर्जा दे दिया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, डिपॉजिटर को, अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट कर देता है, बैंक के पास तो अपने को पैसे है ही नहीं है, वो तो पैसे सारे के सारे डिपॉजिटर ने दे दिए हुए, तो अल्टीमेटली बैंक अपनी
जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी लाइबिलिटी जो उसने डिपॉजिटर को पैसे पे करने थे वो नहीं दे पाएगा। लाइबिलिटी तो है लेकिन लाइबिलिटी ना पूरी कर सके, नुकसान किसका होगा? अलीशा का ख्याल है कि लाइबल तो है बैंक, ठीक है लाइबल है, लेकिन बैंक अगर लाइबिलिटी अपनी पूरी नहीं कर पाता, बैंक ही बैंकक्रप्ट हो गया, तो नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली अल्टीमेटली नुकसान डिपॉजिटर का। तो स्टेट बैंक इस सिचुएशन में आ जाता है, वो डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं बैंक वाले भाई आप तो सिर्फ अपना नफा कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं रेगुलेटर हूं, मैंने इंश्योर करना है कि मेरा मॉनिटरी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। इसीलिए पहला काम तो वो करते हैं स्टेट बैंक कि वो हर बंदे को बैंक खोलने की इजाजत नहीं देता, वो सिर्फ लाइसेंस बैंक खोलने का बड़ा ध्यान से साथ बड़ी ऑब्जर्वेशन करके बड़ा उनसे कहता है कि आपने भी अपने पैसे लगाने, पेड अप कैपिटल आपका इतना होना चाहिए कंपनी के अंदर, फिर वो उनके विजिट्स भी करता है, उनके ऑडिट भी करता है, उनके ऊपर सारे अपने चेक्स एंड बैलेंसेस जितने वो रखने की कोशिश करता है। पहला काम तो ये करता है, बैंक्स को लाइसेंस देता है। फिर दूसरा काम क्या करता है? वो कहता है कि टाइमिंग का गैप नहीं आना चाहिए। फिर एक और अनस्टेबिलिटी ये भी हो सकती है कि टाइमिंग का गैप आ जाए। टाइमिंग का क्या गैप है कि इन्होंने डिपॉजिट करवाया हुआ है 100 rupees फॉर 10 days, 10 days के लिए डिपॉजिट करवाया, आपने एडवांस दे दिया 30 days के लिए, तो ये भी टाइमिंग गैप आ जाएगा। ये 10 दिन के बाद आपने पैसे वापस मांगने आएंगे, आप कहेंगे नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो अभी 30 दिनों के बाद उससे पैसे लूंगा, तो वो भी नहीं करने देना। उसने बैंकर को कहा कि ना आप ये ना कीजिएगा कि 100 rupees आए तो आप 100 rupees ही आगे एडवांस दे दें, नहीं सर आपने इतना करना है 100 rupees आए कुछ पैसे आपने रिजर्व रखने और वो रिजर्व आप मेरे पास मेंटेन करें, रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक के पास आपने मेंटेन करना। अच्छा यहां पर भी हमने सादा एग्जांपल ली हुई है कि एक ही डिपॉजिटर है, लेकिन बैंकों के पास तो लाखों डिपॉजिटर होते हैं, जरूरी नहीं है, और इसी तरह से हजारों या लाखों बॉरोअर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन तमाम डिपॉजिटर में पैसे देने के लिए आ जाना है, और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन तमाम बॉरोअर्स में पैसे देने से इनकार कर देना। तो कुछ बॉरोअर इनकार कर देते हैं, कुछ नहीं करते, प्रॉफिट्स में से आपने एडजस्टमेंट करती रहती है ओवर द पीरियड, ये चीज एक वायबल बिजनेस तरीके से बैंक ऑपरेट करते रहते हैं। स्टेट बैंक इस चीज के अंदर इंश्योर करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट आएंगे उन डिपॉजिट्स का सर्टन परसेंटेज आप रिजर्व रखेंगे, और वो रिजर्व भी आप मेरे पास डिपॉजिट करवाएंगे, जो आपका मेरे पास अकाउंट है आप उसमें डिपॉजिट करवाएंगे। क्लियर? तो ये भी स्टेट बैंक के फंक्शंस में से एक फंक्शन है कि स्टेट बैंक ने बैंकर टू दी बैंक का काम भी करना है, बैंक को कभी पैसों की जरूरत है वो भी देगा, बैंक के पैसे अपने पास रिजर्व भी रखेगा, बैंक को मॉनिटर भी करेगा, बैंक को कभी इशू भी आएगा उसको भी काम करना पड़ेगा। फिर लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट, स्टेट बैंक किसी बैंक को जरूरत पड़ेगी और कहीं और से उसके पैसे नहीं मिल रहे तो वो स्टेट बैंक से जरूर ले सकता है पैसे, बैंकर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट। स्टेट बैंक में एक्सचेंज रेट कंट्रोल भी करना होता है। एक्सचेंज रेट कैसे कंट्रोल करता है स्टेट बैंक? वो जो हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं वो स्टेट बैंक अपने पास मेंटेन करता है। जो डॉलर आते हैं वो कहते हैं एक्सपोर्ट की, आपने 1 lakh rupees की फॉर एग्जाम्पल $1,000 आए, वो जो $1,000 आपके आए हैं वो स्टेट बैंक अपने पास रख लेता है, वो उसके रिजर्व के अंदर रहेंगे।
आपको पैसे चाहिए आप रुपए ले ले, यू कैन गेट विड्रॉ रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट एंड यूज इट इन पाकिस्तान इकॉनमी. और जो पैसे डॉलर आए थे वो डॉलर स्टेट बैंक अपने पास आ जाएगा और फिर उसकी कीमत को मेंटेन करेगा. जब मार्केट में डॉलर की डिमांड आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, तो वो सप्लाई भी कर देगा, इसी तरह से मार्केट से उठा भी देगा. तो कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व दीज आर यूज इन टाइम्स टू मैनिपुलेट द एक्सचेंज रेट विद अदर कंट्री. और क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट का काम भी करता है स्टेट बैंक. क्लियरिंग एजेंट क्या होता है? स्टेट बैंक क्लियरिंग एजेंट का काम भी करता है. अब क्लियरिंग एजेंट क्या है? स्टेट बैंक एसबीपी जैसे हमारे पास है, स्टेट बैंक के साथ कमर्शियल बैंक ए, कमर्शियल बैंक बी, कमर्शियल बैंक सी, कमर्शियल बैंक डी, ये सब लोग काम कर रहे हैं ना. आपका एचबीएल भी काम कर रहा है, आपका यूबीएल भी काम कर रहा है, आपका एमसीबी भी है, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी है, आपका बैंक ऑफ इंडिया भी है, जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे स्टेट बैंक के अंडर ही काम कर रहे हैं. ऐसे ही आगे आपने मार्केट में इकोनॉमी के अंदर बॉरोइंग के लिए कर्जे के ऊपर देने कुछ पैसे रिजर्व रखने, रिजर्व मेंटेन करें मेरे पास, रिजर्व मेंटेन करें मेरे पास, रिजर्व मेंटेन करें मेरे पास, तो तमाम लोगों के पैसे स्टेट बैंक के पास मेंटेन हो रहे होते हैं रिजर्व की जरूरत में. ऐसा ही है, क्लियर है? तो ये स्टेट बैंक एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें तमाम जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, तमाम जो आपके ऑपरेशनल बैंक्स हैं, वो यहां पे अकाउंट होल्डर है. स्टेट बैंक के पास एचबीएल भी अकाउंट होल्डर है, एचबीएल भी अकाउंट होल्डर है, फिर वो एमसीबी भी अकाउंट होल्डर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी अकाउंट होल्डर है, यूबीएल भी अकाउंट होल्डर है, जितने भी सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रहे हैं जिसको उसने अपना लाइसेंस इश्यू किया हुआ है, वो स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर है. क्लियर है? पहली बात तो यहां पे क्लियर हो. दूसरी बात, क्लियरिंग क्या है? क्लियरिंग ये है कि अब डिफरेंट बैंक्स के आपस में भी तो ट्रांजैक्शन होती है. किस तरह से ट्रांजैक्शन होती है? मैं, मेरा शायद एचबीएल के अंदर अकाउंट है, मैं एचबीएल के अकाउंट का चेक लिखूंगा, जाहिद इज अकाउंट होल्डर हियर एंड फॉर एग्जाम्पल अली इज अकाउंट होल्डर इन यूबीएल. मैंने कहा अली को कि मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक दे देता हूं, मेरा एचबीएल का अकाउंट है, मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक लिख देता हूं, ये अली आप ये चेक ले ले और आपकी और जो मेरी जिम्मेदारी थी वो खत्म हो जाए. अली ने, मैंने भी उसका चेक दिया, मैंने एचबीएल का चेक दिया. अली का अकाउंट किधर है? यूबीएल के अंदर. अली भाई क्या करेंगे? अली भाई भागे भागे जाएंगे और यूबीएल वाले भाई को कहेंगे कि भाई ये एचबीएल का चेक है, प्लीज ये ले लें और मेरे अकाउंट में मुझे 1,00,000 रुपया दे दें, एचबीएल का चेक ये ले लीजिए और मुझे 1,00,000 रुपया दे दीजिए. यूबीएल वाला भाई कहेगा होल्ड ऑन अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू क्लियर दिस चेक, मैं इसको क्लियरिंग के लिए बुलाता हूं, जब ये क्लियर हो जाएगा मैं आपको 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट के अंदर शो कर दूंगा, आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दूंगा. अब यूबीएल इसी तरीके के साथ एचबीएल के पास भी बहुत सारे आते होंगे जिनके यूबीएल के बाकी सारे बैंकों के भी आपस में इस तरीके के साथ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन और नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ये एग्जीक्यूट हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में तमाम बैंकों के दरमियान में
अब अगर एक एक चेक के लिए यूपीएल वाला एक बंदे को भिजवाए, यार एचबीएल में जा ये चेक ले जाओ, वहां से 1 लाख रुपया जाकर उसको बोलती के ये 1 लाख रुपया राय साहब के अकाउंट में है नहीं है, ये राय साहब ने ही चेक इशू किया हुआ है, कंफर्म कर दें ये साइन उन्हीं के ही है, तो आप जब वो कंफर्म कर देते हैं तो फिर हमें पैसे 1 लाख रुपया एचबीएल वाले भाई 1 लाख रुपया आप हमें दे दें ताकि हम अली साहब के अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट करवा दें, तो मुश्किल काम हो जाएगा एक एक चेक को इस तरह से लेके जाना, प्रसूव करना और सारी चीजें करनी, ऐसे ही है ना। तो उसका तरीका क्या निकाला हुआ है, उसका तरीका ये है कि तमाम जो चेक्स एक बैंक के दूसरे बैंक के पास आते हैं उनके चेक्स को स्टेट बैंक के पास वेरीफाई करवाते हैं, एचबीएल वाले के पास वो चेक जाता है, वो चेक कंफर्म कर देता है हाँ जी ये राय साहब का चेक है, ये इसके ऊपर इतना ही कैश जो उन्होंने लिखा हुआ है इतना डिपॉजिट में मौजूद है, ये साइन नहीं कहीं है, ये सारी चीजें वो चेक करके कंफर्म कर देता है कि हाँ जी हमारे अकाउंट से इतने पैसे विड्रॉ कर लिए जाए और वो यूबीएल के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाए 1 लाख रुपया। अब वो एचबीएल से उठा के उसको यूबीएल लेके जाना नहीं पड़ा, अब वो क्लीयरिंग हाउस को इस्तेमाल करते हुए आपस में नेट कर लेते हैं, हो सकता है इसी तरह से किसी और एक्स वाई जी ने एचबीएल वाले बंदे को किसी को एबीसी किसी को उन्होंने वो चेक किया हो, तो आपस में नेट करके नेट इफेक्ट आपस में एक दूसरे के अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट आ जाती है, वो स्टेट बैंक के पास ही आ जाती है, उसके लिए कैश की मूवमेंट उन बैंकों को आपस में नहीं करना होती, सारे बैंकों के साथ ये सारे बैंक कोई इसके साथ कर रहा है कोई इसके साथ कर रहा है, ट्रांजेक्शन बेतहाशा ट्रांजेक्शन है कि इसकी इसकी ट्रांजेक्शन, तो ये बेतहाशा ट्रांजेक्शन इकोनॉमी के अंदर हो रही होती है, उन तो अगर इकोनॉमी के अंदर सारे बैंकों को इंडिविजुअली खुद ही से सेटल करना पड़े तो कैश की मूवमेंट इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी बजाय वो कहते हैं कि हम क्योंकि स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर हैं सारे के सारे, तो हम आप अपने स्टेट बैंक में ही सेटल कर लेंगे, जो कैश लेन देन होगा वो आप नेट लेन देन डे एंड के ऊपर क्लियरिंग की सूरत में आप स्टेट बैंक के पास इंश्योर कर लेते हैं, स्टेटमेंट आपके खाते में उतने पैसे कम या ज्यादा कर देता है। क्लियर, क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नहीं सर, नुमान नुमान का ख्याल है कि स्टेटमेंट के लिए इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन को सेटल करना मुश्किल काम नहीं है, नहीं असल में पूरा फिर एक मैकेनिज्म बना रहा है जिसको हम निफ्ट कहते हैं, एक हमारी कंपनी है जो कंपनी सारे बैंकों के पास से जाती है और वो बेस्ट चेक उठाती है, क्लीन के चेक जो उनके पास डिपॉजिट हुए हुए हैं वो दूसरे बैंक से जाके कंफर्म करवाती है, कंफर्म करवा के सेंट्रल तमाम बैंकों ने सेंट्रल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट ले लिया हुआ, सेंट्रल क्लीनिंग अब एक एक ब्रांच में नहीं जाना पड़ता, वो रीजनल लेवल के ऊपर कोई उन्होंने अपने बंदे अप्लाई कर लिए हुए हैं जो कि कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज है आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है सारे का सारा, तो वो हर एक अगर किसी का किसी चक नंबर 47B G DAF के ऊपर भी कोई अकाउंट है तो वो उस रीजनल सेंटर के सिस्टम के अंदर आ रहा है, वो उधर से चेक कर सकता है उसका अकाउंट रेफरेंस भी चेक कर सकता है, अकाउंट में बैलेंस भी चेक कर सकता है, जो सिग्नेचर है उसको भी मैच कर सकता है, तो वो आजकल तो बहुत आसान हो गया हुआ है, इट इज वेरी क्विक। पहले क्लीनिंग में 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते थे, अगर पंजाब में हम कोई चेक डालते थे सिंध की किसी दूर दराज गाँव की किसी ब्रांच का तो वो 10-12 दिन रूटीन में लग जाते थे, अब कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से ये काम आसान हो गया हुआ है। ठीक है, क्लीयरिंग एजेंट का भी रोल प्ले करता है, देन एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड बैंक्स की एस्टैब्लिश करता है, स्टेट बैंक का ये भी फंक्शन है, स्पेशलाइज बैंक कौन से हैं, जैसे इस्लामिक बैंक्स की बात करें, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें,
allow the creation of banks which are particularly usually for commercial needs. For example, bank that are maybe for agriculture work for other sector of the economy. ZTBL जैसे है, जरिए तुर्किया की बैंक लिमिटेड, तो वो ज़रात के लिए कर्ज वगैरह देता है. Clear? Then we have our monetary policy. Monetary policy क्या है? Monetary policy है using a variety of technique to influence the use of money and credit within an economy in order to meet certain objective. अब सेंट्रल बैंक हमने देखा, इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन गया. ये सेंट्रलाइज है, ये हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, ये इकोनॉमी को, ये लोगों को, ये बैंकों के अंदर पैसे लेन देन को, कितना डिपॉजिट रख सकते हैं, कितना डिपॉजिट नहीं रख सकते हैं, सबको ये कंट्रोल कर रहा है. तो इसके पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हो सकेगी जिससे कि ये मनी को डिवर्न कर सकता है, मनी को कंट्रोल कर सकता है. ऐसा ही है ना, इसके पास क्या कह रहा है सेंट्रल बैंक, हमारे यहां जैसा पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, तो ये इसके पास इतनी पावर्स आ जाती है कि ये इकोनॉमी की डायरेक्शंस भी बना सकता है. मॉनिटरी पॉलिसी इज बेस्ड अराउंड कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड साइज ऑफ मनी, मनी सप्लाई, ग्रोथ एंड साइज ऑफ मनी सप्लाई उसको कंट्रोल करता है. अब वो कौन से तरीके हैं, तरीका वारदात जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन से इनके पास, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो कौन कौन से, उसके अंदर हम देखते हैं तो एक प्रोसेस है इनके पास, रिड्यूस रिजर्व अवेलेबल टू बैंक. अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मैं ये इसका कहता हूं कि मैं मनी सप्लाई को कंट्रोल कर देता हूं, चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट, अब वो चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है. जहां से हमने यहां पे कहा था रिजर्व के भैया आपके पास जितने डिपॉजिट होंगे सारे के सारे पैसे आप आगे कर्जा नहीं दे सकते, कुछ पैसे आपको रिजर्व रखना है. अब सारे पैसे अगर आप कर्जा दे देंगे तो अनस्टेबिलिटी आती है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो डिपॉजिट होगा, जितना डिपॉजिट होगा उसका 20% you will maintain as reserve, 20% आप reserve के तौर पे maintain करेंगे. 100 rupees अगर आपके पास डिपॉजिट आया, 100 नहीं दे सकते आप, 80 rupees आप आगे लोगों को कर्जा दे सकते हैं, 80 से ज्यादा नहीं दे सकते, 20 rupees आप reserve के तौर पे maintain करेंगे. आप ये 20 rupees के अंदर से भी वो कहता है कि 20 में से फॉर एग्जाम्पल 15% आपने स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट करवा देने लाजमी, और 5% आपने अपने पास ऑन लिक्विड रखना है कि किसी की जरूरत पड़े पैसे पेमेंट करने की आपको मुश्किल ना हो, आपको लोगों के डिपॉजिट जिन्होंने करवाए हैं वो पैसे लेने के लिए गए तो वो आप उनको पे कर सकते हो, तो वो 5% ओवरऑल 20% आपने मेंटेन करना है, 20% रिजर्व आपने मेंटेन करना है, 80% आप एडवांस दे सकते हैं, 20% आपके पास हर वक्त रिजर्व रहना चाहिए. स्टेट बैंक क्या कर सकता है, चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट. आप वो रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज करेगा तो क्या होगा, अगर आप इस वक्त 80% लोन दे सकते हैं, आपको स्टेट बैंक कह देता है नहीं भाई 20 नहीं, आपने 30% रिजर्व मेंटेन करना है, तो फिर आप इकोनॉमी के अंदर 70% कर्जा दे सकेंगे. जब 70 पे आप कर्जा दे सकेंगे इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी एबिलिटी टू सर्कुलेट द मनी रिड्यूस हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी, तो अगर तो स्टेट बैंक चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को, सर्कुलेशन ऑफ मनी को रिड्यूस करूं, और आप मॉनिटरी पॉलिसी
लगाना चाह रहे हैं, कर्टेल करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी मेजर के अंदर है, तो इन्फ्लेशनरी मेजर के अंदर यू कैन इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड यू कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई सो दैट योर इकोनॉमी गेट सेटल्ड डाउन, और इन्फ्लेशनरी मेजर से आपका प्राइसेस को आप कंट्रोल कर सके, इकोनॉमी सही डायरेक्शन में आ सके, रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. बैंक्स लुकिंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड यहां पे हमने पढ़ा हुआ है, आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉर एग्जाम्पल यहां पे है, तो आप एग्रीगेट डिमांड को चाहते हैं कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इधर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, आपने रिजर्व रेशो रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दी ताकि आपकी एग्रीगेट डिमांड इधर आ जाए. इन्फ्लेशनरी गैप है, आपको इन्फ्लेशनरी गैप को आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है. रिड्यूस रिजर्व अवेलेबल टू द बैंक. अब दूसरी जो बात यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर रिजर्व तो स्टेट बैंक के पास है जी, सर रिजर्व स्टेट बैंक के पास है. यहां पर पढ़ने का थोड़ा सा क्या कहता है, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द लेवल ऑफ रिजर्व दैट कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड विद देम बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ रिजर्व दैट दे मस्ट होल्ड एंड कीपिंग द रिजर्व रेशियो कॉन्स्टेंट the commercial bank must reduce the level of loans that they give out. अब यहाँ पे आते हैं. Reserve ratio constant रखें, reserve ratio आप 20% पे रखें. यहाँ पे ये क्या है? अपने पास क्या रख सकते हैं? आप सिर्फ 2% अपने पास रख सकते हैं. 18% आप state bank के पास रखना पड़ेगा. ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं. अपने पास सिर्फ 2% रख सकते हैं, 18% आपको आप स्टेट बैंक के पास रखना पड़ेगा. कीपिंग द रिजर्व रेशियो कांस्टेंट द कमर्शियल बैंक मस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ लोन्स दैट दे गिव आउट एंड रुपी वन रिडक्शन इन द लेवल ऑफ रिजर्व दैट कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड ट्रांसलेट थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट टू बी अ मच बिगर कॉन्ट्रेक्शन इन द ओवरऑल मनी सप्लाई दैट द नॉर्म ऑफ दिस कॉजेस द मनी सप्लाई टू डिक्लाइन. As the money supply contracts, money becomes tight, less available, and more expensive. This reduces level of money in the economy, raises the interest rate, and reduces the amount of credit available in the economy. Consequently, interest rates rise for mortgage borrowers, and firms looking for investment are discouraged from borrowing and spending more money. High interest rate reduces the wealth of firms and individuals, causing a drop in consumption and investment. Aggregate demand company. This caused a shift to the left of aggregate demand. In short, tight money has a contractionary effect on aggregate demand. Contractionary effect. जो हमने fiscal policy के अंदर भी पढ़ा था. The effect of tight money reduces the level of aggregate demand, causing a drop in output, employment, and inflation. This is a very important aspect of what a central bank does by affecting the level of reserve that commercial bank must hold. Is able to affect the level of output and spending in the real economy. This is powerful tool for the central bank. Powerful tool. और इसी तरह से अगर वो expansionary, contractionary की बजाय expansionary policy करता तो reserve ratio को कम करते हैं. 20 की बजाय 10% reserve ratio हो जाएगी. तो 10% reserve ratio के साथ वो फिर लोग ज्यादा मनी सप्लाई कर देंगे और आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड के अंदर इजाफा हो सकेगा, ठीक है. रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर के जरिए से एक टूल है जो कि सेंट्रल बैंक जिसकी वजह से जरिए से इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं. देन वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन. सेकेंड टूल दैट वी हैव इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक क्या करे. सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स इशू करते हैं. बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स
इशू भी केस कर सकता है और ऑलरेडी इशू जो बॉन्ड है उनको परचेज भी कर सकता है, दो काम भी कर सकता है। अब जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो कहता है भाई ना इतना कीजिए, परेशान ना हो, मनी सप्लाई मुझे लगता है ज्यादा है, आपके पास मनी ज्यादा आ गई है, मैं उस मनी को अब्सॉर्ब करना चाह रहा हूं इकोनॉमी से, उस मनी को उठाना चाह रहा हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के नाम से हम जानते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो स्टेट बैंक ऑथराइज डीलर्स के पास जाता है, बैंकों के पास जाता है, बैंकों को कहता है कि भाई मैं बॉन्ड इशू करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाना चाहता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर क्या है, मनी सप्लाई को कम करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी में वो बॉन्ड इशू कर लेगा, इशू करेगा, सेल करेगा, बॉन्ड सेल कर रहा है कि मेरे मैं बॉन्ड्स मुझसे आप पैसे आप मुझे दे दीजिए, वो इकोनॉमी के अंदर मनी को यूज ना कीजिए, आगे लोगों को कर्जा ना दें, पैसे मुझे दे दें, आप मुझसे आप एक प्रॉमिसरी नोट, एक बॉन्ड, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लें जो कि आप बाद में किसी वक्त मुझसे आप एक साल के बाद, छह महीने बाद, तीन महीने बाद, एक महीने बाद मैं आपको ये पैसे आपके वापस कर दूंगा, इतना इंटरेस्ट भी उसके ऊपर दे दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर वो सेल करेगा, उससे होगा क्या, जब आप स्टेट बैंक सेल करेगा रुपीस मनी, लोग इसको अगेंस्ट इसको पे करेंगे तो इकोनॉमी में बाकी बैंकों के पास कर्जा देने के लिए पैसे कम रह जाएंगे, वो पैसे स्टेट बैंक के पास आ जाएंगे और स्टेट बैंक उसको अपने पास रोक लेगा और आगे इकोनॉमी के अंदर वो मनी सप्लाई के अंदर शामिल नहीं होंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड में इस तरह से कमी आ जाएगी। और अगर वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है, आप वो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड वगैरह बढ़ाना चाहता है तो क्या करें, जो उसके पास परचेज कर ले, स्टेट बैंक परचेज कर लेगा, जो उसने लोगों को इशू किए हुए थे बॉन्ड वगैरह, तो कहेगा यार मुझसे मुझे आप बॉन्ड सेल कर दो, मैं परचेज कर लेता हूं, आप मुझसे पैसे दे दे, वो पैसे दे देगा लोगों से बॉन्ड वगैरह परचेज कर लेगा, उससे क्या होगा कि इकॉनमी में लोगों के पास कर्जा देने के लिए ज्यादा पैसे आ जाएंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के ऊपर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट इज जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन भी देख लेते हैं, फिर डिस्काउंट रेट पॉलिसी, ये हम इंटरेस्ट रेट तो बार बार पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट रेट पॉलिसी के सेंट्रल बैंक अगर चाहता है कि लोग मेरे पास इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को रिड्यूस करें, तो वो क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, जब बेस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, काइबर इंक्रीज होगा, तो काइबर इंक्रीज होने से आपकी इकोनॉमी में तमाम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ जो लेन देन करेंगे वो आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे होगा, मॉर्गेज के अगेंस्ट पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट जिसने करवानी उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस तरह से आपकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, आप जो आपकी इन्फ्लेशनरी गैप है वो आप कवर कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। फिर ये तो वो चीजें हैं जो कि स्टेट बैंक के पास टूल थे, स्टेट बैंक और भी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर यूज करता है परसुएशन, मॉरल परसुएशन क्या है कि वो लोगों को कहते हैं भाई ना मुल्क के फायदे के अंदर ये नहीं है,
जो आप इस तरह की एक्टिविटी करें। आप मुल्क के फायदे के अंदर ये है कि आप लोगों को करदा काम दें, लोगों को करदा वही दें जिस काम के लिए ज्यादा मुल्क की दिफा के लिए हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो। आप लोगों को सिगरेट के अंदर कम करदा दें, शायद लोगों को एजुकेशन सेक्टर के अंदर ज्यादा करदा दें, तो वो मॉरल परसुएशन लोगों को एजुकेट कर सकता है स्टेट बैंक। एंड देन स्टेट बैंक के पास एक्सचेंज रेट के जरिए से भी एक तरीका है जिसको कि वो कंट्रोल कर सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। अच्छा जी, लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे एंड लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। और फिर हम और हमारी कोशिश है कि इस हफ्ते में हम अपना जो टॉपिक्स हैं इनको हम मैक्सिमम कवर अप कर लें। दो तीन चैप्टर ही रह गए, 13, 14, 15, इनको हम कवर कर लें और अपना जो हमारा सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह इस सैटरडे तक। तो जी कोशिश है कि फिर हमारी क्लास ना हो, फिर हम यहाँ से, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी, आपके मॉक वगैरह हो चुके हैं, बाकी टेस्ट वगैरह जिनसे हैं वो आपके चलते रहेंगे, तो हमारा इंटरेक्शन फिर कम हो जाएगा। ठीक जी, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आपको, बाकी फिर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम साथ साथ चलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आपका है कोई चीज़ें क्यूरी वगैरह, तो आप साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।